इन दिनों दुष्कर्म की खबरों से जहां अखबार के पन्ने भरे हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना भी सामने आई है जहां 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक को लोगों ने सबक सिखाया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने युवक को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया। ये घटना उन लोगों के लिए किसी सबक से कम नहीं जो अब तक सोचते हैं कि उनके कुछ भी करने को जनता सिर्फ तमाशे की तरह देखती रहेगी। दुष्कर्म जैसी नीचता पर उतरने वाले लोगों की हिम्मत कुछ इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अपने आप में व्यस्त लोग किसी अबला को बचाने से ज़्यादा खुद को सेफ रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ उससे ये साफ है कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी, अपने आसपास हो रहे अपराधों के लिए सख्ती से पेश आएगी। घटना महाराष्ट्र के नागपुर में पारडी इलाके की है जहां 35 वर्षीय कलेक्शन के लिए बच्ची के घर गया था। बच्ची को अकेला पाकर युवक ने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, तभी बच्ची की मां वहां पहुंच गई और शोर मचाने लगी, जिसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और आरोपी को रस्सी से बांधकर उसे पीटने के साथ ही निर्वस्त्र कर सरेराह घुमाया गया। इसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। बता दें कि घटना 1 दिसंबर रविवार की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेद शहर का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में डेली कनेक्शन का काम करता है। वो बच्ची के घर रोजाना नगद कलेक्शन के लिए जाता था। आरोपी के खिलाफ पारडी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता और बच्चों के यौन अपराधों के संरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।